हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 9 फरवरी 2023 और आज की 12 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहां पर आ चुका हूं। चलिए फिर शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। और ये पहली अपडेट, 2 माह में कर्ज फिर महंगा, रेपो दर 0.25% बढ़ी। मई 2022 से अब तक 6 बार रेपो दर बढ़ा चुका है RBI। 6.50% हुई रेपो दर बढ़कर, जो 4.5 साल का उच्च स्तर है। 2.50% की वृद्धि नीतिगत दर में मई 2022 से अब तक जो है, और महंगाई के मोर्चे पर जो है राहत के बीच भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2 माह बाद जो है फिर से जो है रेपो दर में 0.25% की बढ़ोतरी यहां पे कर दी है, और जिसके कारण जो है कर्ज जो है महंगा कर दिया गया है। नीतिगत दर वृद्धि से रेपो दर अब 6.50% पहुँची है, जो 4.5 साल का उच्च स्तर है। इससे पहले 1 अगस्त 2018 को रेपो दर 6.50% रही थी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, और इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो, यहाँ पे बताया गया है 50 लाख का होम लोन 20 साल 807 रुपये बढ़ेगी मासिक किस्त। तो यहाँ पे 807 रुपये का यहाँ पे फर्क पड़ेगा। 10 लाख का ऑटो लोन 7 साल 128 रुपये का अतिरिक्त बोझ यहाँ पे पड़ेगा। महंगाई घटकर 5.3% रहने का अनुमान यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, 16 निजी विश्वविद्यालय से जारी PhD डिग्रियों की जांच शुरू। कई संस्थानों पर निर्धारित नियमों का पालन किए बिना PhD करवाने का आरोप। तो हिमाचल प्रदेश में सभी 16 निजी विश्वविद्यालय से जारी हुए PhD डिग्री की जांच शुरू हो गई है। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की जांच कमेटी ने जो है दस्तावेजों की पड़ताल करने में जुट गई है। वर्ष 2009 के बाद जो है जारी सभी PhD डिग्रियों का निजी विश्वविद्यालय से रिकॉर्ड जो है एकत्र कर लिया गया है। कई संस्थानों पर निर्धारित नियमों का पालन किए बिना ही PhD करवाने का आरोप है। तो इसलिए जो है अभी जो है सभी की जाँच हो रही है, और दस्तावेजों की पड़ताल करने के लिए निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग जो है जांच कमेटी अभी जांच यहाँ पे कर रही है। 2009 के बाद जारी सभी PhD का निजी विश्वविद्यालय से एकत्र किया रिकॉर्ड, तो अभी इनकी जांच यहाँ पे हो रही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल में होगी दालचीनी की खेती, 2025 तक बाजार में आएगी फसल, औषधि पौधे। तो यहाँ पे दालचीनी का पौधा और निरीक्षण करते विशेषज्ञ। तो यहाँ पे अब हिमाचल में भी दालचीनी की खेती होगी, वर्ष 2025 तक जो है दालचीनी की फसल पहली बार जो है बाज़ार में आएगी। और प्रदेश के 5 जिलों हमीरपुर, सिरमौर, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा में वर्ष 2021 में पहली बार ट्रायल के रूप में 50-50 पौधे लगाए गए थे। वर्ष 2022 में किसानों की बढ़ती मांग को देखते हुए इन 5 जिलों में करीब 10,000 के करीब अतिरिक्त पौधे दालचीनी के लगाए गए हैं। अब एक सप्ताह पूर्व CSIR जो पालमपुर है उनके वैज्ञानिक ने यहाँ पे जो है नेतृत्व किया, और टीम ने दोबारा से इन पौधों का निरीक्षण किया है, और 2025 तक जो है यहाँ पर दालचीनी की फसल मिलने की पूरी संभावना है। तो ये दोस्तों यहाँ पर अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल में आज और कल बारिश बर्फबारी का अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बदलेगा मौसम, 11 और 12 फरवरी को धूप खिलने के आसार। बुधवार को प्रदेश में साफ रहा मौसम, ऊना में 26.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ तापमान। केलांग सड़क पर जमी बर्फ पर ट्रक से मिट्टी फेंकते BRO के कामगार। तो यहाँ पे 11 और 12 फरवरी को जो है प्रदेश में धूप खिलने के आसार हैं, बट आज और कल भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जो है यहाँ पे जारी किया गया है। तो 134 सड़कें आवाजाही उनकी ठप है, और लाहौल स्पीति जिले में सबसे अधिक 120 सड़कें ठप होने से वहाँ का जनजीवन भी अभी जो है प्रभावित ही चल रहा है। बाकी पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, गांव में जल शक्ति विभाग का हर मंडल एक योजना से अब 24 घंटे देगा पानी। उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद विभाग ने शुरू की कवायद, ग्रामीण जनता को होगा फायदा, जल शक्ति विभाग के बंद सर्किलों और मंडलों के अधीन दफ्तर पुरानी व्यवस्था में करेंगे कार्य। तो मंडल स्तर पर एक एक पेयजल योजना जो है उसको 24 घंटे पानी देने वाली योजना में बदला जाना है। इस पर काम करना शुरू कर दिया गया है। योजना अपग्रेड करने के लिए जारी होगा पैसा, अभी तीसरे और चौथे दिन आता है पानी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट, अभी 24 घंटे जो है लोगों को पानी मिलेगा, और जल शक्ति विभाग अपने सभी 66 मंडलों की एक एक पेयजल योजना को जो है अपग्रेड कर 24 घंटे पानी देने वाली योजना में बदलने जा रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, शिक्षकों के पद नहीं भरे तो सरकार और विभाग के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। तो स्कूल प्रबंधन समिति की दो टोक, भलाड स्कूल में शास्त्री और हिंदी के प्राध्यापक नहीं हैं।
बच्चों की पढ़ाई यहाँ पे प्रभावित हो रही है। कई बच्चों ने नाम कटवा कर निजी स्कूलों में लिया दाखिला। तो बात हो रही है बिस्क क्षेत्र ज्वाली के अधीन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भलाड़ में कई विषयों के अध्यापकों के पद जो है रिक्त पड़े हैं, और इनके बावजूद जो है इन पदों के बावजूद रिक्त होने के बावजूद जो है कई बच्चों ने निजी स्कूलों में जो है दाखिला ले लिया है। तो इस कारण जो है यहाँ पे अभिभावकों में सरकार के प्रति रोष है, और स्कूल में शास्त्रीय अध्यापक, शारीरिक शिक्षक सहित हिंदी अध्यापक का पद भी रिक्त पड़ा हुआ है। इससे संस्कृत और हिंदी की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं शारीरिक शिक्षक ना होने के कारण खेलकूद गतिविधियाँ भी यहाँ पर प्रभावित हो रही हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जल्द से जल्द जो यहाँ पे जो है शिक्षक जो है यहाँ पे स्कूल को दे, अगर नहीं देंगे तो फिर विभागों के खिलाफ जो है यहाँ पे विभाग के खिलाफ जो यहाँ पे मोर्चा खोला जाएगा, क्योंकि शिक्षक ना होने से बच्चों की पढ़ाई पर जो है अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनको पढ़ाएगा कोई नहीं तो फिर कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो ये यहाँ पे इनका कहना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही, ACC प्लांट कॉलोनी के रास्तों पर आज धरना देंगे ऑपरेटर। अडानी कंपनी के अधिकारियों के बुलाने पर नहीं गए BDTS के पदाधिकारी, महिला ट्रक ऑपरेटर भी होंगी अब धरना प्रदर्शन में शामिल। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, यहाँ पर जो है आंदोलन की आगामी रणनीति जो है बना ली गई है, और वीरवार को ट्रक ऑपरेटर बरमाणा स्थित BDTS भवन से लेकर ACC कॉलोनी तक रैली निकालकर प्रदर्शन यहाँ पे किया जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही, बद्दी में कूड़े कचरे से तैयार किया जाएगा ईंधन, 30 करोड़ से केंदुबाला में लगा संयंत्र, रोजाना 80 टन तक कूड़ा निकलता है, BVM क्षेत्र है। दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधिमंडल ने संयंत्र का भ्रमण कर की थी सराहना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही, स्कूल और कॉलेज लेक्चर पढ़ाने के साथ कर सकेंगे PhD की पढ़ाई। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पार्ट टाइम PhD शुरू करने की मिलेगी सुविधा। स्कूलों में जो प्रदेश के हज़ारों स्कूलों को जो लेक्चरों का अपने विषय में PhD करने का सपना जो है पूरा हो सकेगा। अब जो है HPU शिक्षण सहित अन्य पेशेवरों के लिए UGC के PhD रेगुलेशन 2022 में विश्वविद्यालय में पार्ट टाइम PhD शुरू करने की तैयारी कर रहा है। JNU और IIT की तर्ज पर मिली मंजूरी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही, स्कूलों में भी खेला जाएगा पैसा पालो खेल, सरकार से मिल गई मान्यता। तो स्कूली खेल कैलेंडर में खेल को दिया गया 8वां स्थान। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही, नवोदय विद्यालय के लिए जो है आवेदन करने की तिथि 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। किसी ने अगर अप्लाई करना है तो वो भी 15 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये नवोदय विद्यालय की यहाँ पर बात हो रही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही, 2023 दोस्तों UG की बात कर लें, UG छात्रों के लिए, तो 2023-17 में जो है सत्र से स्नातक में पर्यावरण विषय की पढ़ाई होगी अनिवार्य। तो शैक्षणिक सत्र 2023-24 से स्नातक प्रोग्राम के सभी छात्रों को पर्यावरण की पढ़ाई करनी होगी और ये अनिवार्य होगा, कंपलसरी आपके लिए विषय रहेगा। इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, मैनेजमेंट समेत अन्य सभी कोर्स के छात्रों को पर्यावरण के बारे में पढ़ना और जानना जरूरी होगा। तो इसके लिए ये सब्जेक्ट आपको जो है अभी रहेगा 2023 से सभी के लिए अनिवार्य होगा ये सब्जेक्ट। ओके, तो ये थी दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।